अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक और ये सिस्टम है ऑफ डेल ऑप्टीप्लेक्स 3046। आजकल ये सिस्टम जो है यूज़ हो रहा है, सिक्स जनरेशन का ये सिस्टम है। इस सिस्टम में सम इश्यूज आते हैं, कुछ एरर्स वगैरह आते हैं, कुछ लाइट के एरर आते हैं, तो उन एरर का इशू क्या हो सकता है और उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आप लोगों के साथ आज ये शेयर करूंगा। ताकि इस लिहाज से ये है कि अगर आप लोग ये सिस्टम यूज़ कर रहे हो या कोई मेरा भाई इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, उसको फॉल्ट ट्रेस ना हो रहा हो, तो उसको इजीली इस चीज़ की समझ आ सके। तो सबसे पहले तो हम इसको ऑन करके चेक करते हैं कि इसमें इशू क्या आ रहा है। इसको हम खोल लेंगे पहले। सबसे पहले ये ऑन हो रहा है, लेकिन साथ ही ऑन ऑफ स्लो तेज स्लो तेज। और ये मदरबोर्ड की ये लाइट अगर आपको नज़र आ रही है तो ये भी ये ब्लिंक कर रही है। तो व्यूअर्स, इस तरह का अगर इशू हो, मिसाल के तौर पे जिस तरह का अभी ये इशू आ रहा है, या इसके अलावा ऑरेंज लाइट ब्लिंक कर रही हो, तो उसके लिए मैं आपको जस्ट एक जनरल से बताता हूँ। इसके साथ की पहले भी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर ऑरेंज लाइट आ रही हो तो उसका ये भी मतलब हो सकता है कि पावर सप्लाई भी अगर आपकी ख़राब हो, तब आप पावर सप्लाई रिप्लेस करेंगे, आपकी ऑरेंज लाइट वाला फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। कई मेरे फ्रेंड्स या दोस्त जो आगे पीछे इन वीडियो देखते हैं, लेकिन वो समटाइम ये मुझसे एक चीज़ मैंने सारी डिटेल में बताई हुई है, लेकिन वो फिर भी कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे होते हैं कि ये चीज़ है तो इसका क्या करें। ये सारी चीज़ें अगर हमने कर ली हैं तो उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो इसके बाद ब्रदर मसला ये आता है कि अगर बोर्ड का इशू है तो बोर्ड का इशू का आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड रिपेयरिंग के लिए रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन वो रिपेयर आप कर नहीं पाएंगे या डायग्नोज नहीं कर पाएंगे कि बोर्ड की तरफ से अगर इशू है तो किस चीज़ का इशू है। जो जनरली इशू होते हैं, जो आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं, घर में बैठ के आप खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे ऑरेंज लाइट आ रही हो, सिस्टम ऑन ना हो रहा हो, डिस्प्ले ना दे रहा हो, या इस तरह का कोई इशू हो, या बीप आ रही हो, लॉन्ग बीप आ रही हो तो वीजे कार्ड का मसला होता है, या शॉर्ट बीप आ रही हो तो रैम का इशू होता है। और उसके अलावा अगर ऑरेंज लाइट हो तो पावर सप्लाई का भी इशू हो सकता है, रैम का भी इशू हो सकता है, और पावर प्रोसेसर का भी इशू हो सकता है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, या रैम को आप निकाल के, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ये वीडियो शेयर की है कि उसको डिस्चार्ज कर लें। सिंपली ये है कि रैम को जब आप निकालेंगे, निकाल के इसकी ये जो पिन है इसको आप उंगली बेशक गीली कर लें, गीली करके इसको आप इस तरीके से स्लाइड कर लें। स्लाइड करने के बाद दोबारा लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका डिस्प्ले आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप प्रोसेसर को भी ओपन करें, प्रोसेसर को ओपन करके उसको भी इस तरीके से उंगली गीली करके नीचे से साफ करके डिस्चार्ज करके उसके बाद दोबारा से प्रॉपर लगाएँ। रैम को भी उस तरीके से लगाएँ। तो उसके बाद अभी जो आप लोगों के साथ अभी इस सिस्टम का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसका ये इशू है कि इसका जो आपने देख ही लिया है कि इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो इसके मुझे सप्लाई का इशू है, सप्लाई पे डाउट है। तो पहले मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इसकी सप्लाई को, रैम को मैंने वापस लगा दिया, सप्लाई को सबसे पहले मैं निकाल लूँगा। इसका ये वाला पावर कलेक्टर उतार लें, 8 पिन पावर सप्लाई है ये, और दूसरा ये पावर सप्लाई का कनेक्टर उतार लें। उतारने के बाद आप इसको निकाल लें। इसके साथ की पावर सप्लाई मेरे पास ऑलरेडी खड़ी हुई है, जो मैं इसमें आप लगाऊंगा। कनेक्टर को मैं पावर केबल लगाई, पावर केबल लगाने के बाद इसको ऑन किया। अब ये देखें, फ्रंट पे आप लाइट का इंडिकेट देख लें, ये ऑन हो गया सिस्टम, और इसकी बैक साइड पे प्रॉपर तरीके से ये आप ऑन हो गया। अभी ये एक दो दफ़ा ऑन ऑफ होगा, आप इसको मैं ऑन करूँगा। ये ऑन किया, इसकी लाइट ग्रीन पे आ गई,
ग्रीन लाइट होगी, डिस्प्ले इसका आ चुका है। अभी इसमें हार्ड ड्राइव और ये बाकी चीज़ें नहीं लगी, जिससे जैसे अभी ये देखिए कीबोर्ड भी नम लॉक भी इसका ऑन हो गया और लाइट ग्रीन भी हो गई है। अब इसका ये है, इसका आप लोगों के साथ ये फॉल्ट शेयर करने का मकसद ये था कि सम टाइम ये होता है कि आपका घर का सिस्टम पड़ा हुआ है और आप लोगों को ये इशू आ जाए अगर मीन वाइल कि आप ऑन करते हैं ऑन ना हो या लाइट इस तरह ब्लिंक करे या ऑरेंज लाइट आपको आ रही हो, तो स्टिल उसका सबसे पहले तो आप पावर सप्लाई को चेंज करके चेक कर लें। पावर सप्लाई का इशू ज़्यादातर होता है, पावर सप्लाई जो है प्रॉपर वोल्टेज या पे पूरी निकाली थी, जिस वजह से वो ये एरर देता है। अब मैंने आपके सामने पावर सप्लाई रिप्लेस की, रिप्लेस करने के बाद जब लगाया था उसकी वो सिस्टम ऑन हो गया, ऑन होने के बाद डिस्प्ले भी उसका आ गया। अभी बाकी चीज़ें इसमें मैं लगाता हूँ, लेकिन उसको लगाने से पहले आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो व्यूवर्स इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ सके। अगर किसी किस्म का कोई इशू किसी को आ रहा है तो वो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी ये कि अपनी वीडियो में मैं अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और अपने जो मेरा कलीग है उसका कॉन्टैक्ट नंबर दोनों का शेयर कर दूँगा, जिससे ये है कि आपको अगर किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है या किसी किस्म कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें कि ये हमें इशू आ रहा है, इसका कोई नेवल बदल हाल बताएं या इसका जो भी इशू है हमसे डिस्कस करें, तो हम लोग आप लोगों को प्रॉपर गाइड करेंगे, जितना हो सका आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। तो इसके साथ ही मैं अब अपनी इस वीडियो का अख्ताम करता हूं। तो इसी तरीके से आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, पसंद करते रहें और साथ साथ मुझे प्रमोट करते रहें। ओके व्यूअर, खुदा हाफिज़।